थॉट्स हैं, तो आपके अंदर में दुरात्माएं इंस्पायर करेंगे कि कर ले कर ले कोई नहीं देख रहा है, जो भी होगा देखा जाएगा और यदि आपके दिमाग में सकारात्मक है तो पवित्र आत्मा कहेगा कर ले कर ले दे दे दया दे -दे -दे -दे, 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 दे 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 अपना पैसा उसको दे दे जिस प्रकार के थॉट्स हैं उसी प्रकार की आत्माएं आप पर प्रभुता करेंगी यदि परमेश्वर के वचन के खिलाफ कल्पनाएं हैं तो आपके माथे के अंदर में वचन के खिलाफ काम करवाने वाली दुरात्माएं आपको इंस्पायर करेंगी इंस्पायर मतलब बाहर रहकर के आपके दिमाग में यह बात डालेंगे कि कर ले कर ले जो भी काम है दिमाग के अनुसार और यदि आपकी कल्पनाएं वचन के अनुसार होंगी पॉजिटिव होंगी तो पवित्र आत्मा कहेगा टेंशन मत ले मैं तेरी मदद करूंगा दे दे दान जब दिमाग से विचार आई गए कि मैं आज कान का वाला प्रभु को भेंट चढ़ा दूंगी तो आप बार बार कान को छू के हाथ नीचे क्यों कर रहे हो पवित्र आत्मा कहेगा निकाल ले निकाल ले डाल दे प्रभु की थैली में जब विचार आया है तो कर ले कौन सी आत्माएं तुम्हारा सपोर्ट करेंगे यह निर्धारण करना आपके हाथ की बात है जिस प्रकार की कल्पनाएं होंगी उसी प्रकार की आत्माएं आपके पीछे खड़ी रहेंगी hmm. यदि आप बिब्लिकल थॉट से प्रभावित होंगे यदि आपके दिमाग में बाइबिल के वचन की याददाश्त होगी तो आप बाइबिल के वचन की याददाश्त के आधार पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाइए और वह करने लगिएगा जो बाइबिल में लिखा हुआ है hmm. यदि आपके दिमाग में बाइबिल के खिलाफ वाली घटनाएं याददास्त में हैं, यदि आपके दिमाग में बाइबिल के खिलाफ वाली याददाश्तें हैं तो दुरात्माएं आपके पास कहेंगी चिंता मत कर डाल देता हूं बीज में पानी कल्पनाएं अंकुरित होंगी जड़ पकड़ेंगी और फल दिखने लगेंगे इसलिए बाइबिल कहती है, हर एक कल्पनाओं को कैद करो हरेक कल्पनाओं को कैद कर इसी को ध्यान कहते हैं पहले तो कल्पना समझना फिर मेडिटेशन समझना हाल कुछ समझ में आ रहा है अब आपको आज इतना याद रखना है और इस पर चिंतन करना है क्या कि मेरी याददाश्त में मेरी याददाश्त में क्या क्या भला है और क्या क्या बुरा है अच्छा चलिए हम आपको होमवर्क देते हैं एक पन्ने को ऐसे करके एक पन्ना है ना उसको ऐसे करके दो भाग में बदल दो ऐसा लाइन खींच भी नहीं लिए तो ठीक है तो वन साइड में लिखना शुभ घटनाएं लिखो शुभ घटनाएं या शुभ घटनाएं सकारात्मक विचार शुभ घटनाएं Okay. दूसरी तरफ में लिखिएगा अशुभ घटनाएं नकारात्मक विचार ठीक है अशुभ घटनाएं अब आप लिस्ट बनाएं आपको कौन कौन सी चीज अच्छी लगती है कौन कौन व्यक्ति अच्छे लगते हैं आपको अभी आपका मन जो है ना बिल्कुल डुप्लीकेट काम करेगा जब हम बोल दिए ना तो आपका मन कभी भी आपकी पुरानी गंदी याद को याद नहीं आने देगा इसलिए आप ज्यादातर सोचेंगे तो ये पाएंगे कि मैंने कौन कौन सा भला काम किया अरे तो तू अच्छा है गाली बक के गाली बकना बहुत अच्छी चीज है ठीक है चोरी करना भी अच्छी चीज है हाँ इस तरीके से हमें अपने मन में अशुभ बातें जो है बहुत आसानी से भुला देने का मन होगा और शुभ घटनाएं याद करने का मन होगा तो आप निष्पक्ष भाव से आपको याद करना है मैं कौन सा काम अच्छा किया कौन व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है मैंने कहाँ भलाई की मेरे दिमाग के अंदर में सकारात्मक कौन कौन सी बातें हैं जो मेरे अंदर पाई जाती हैं ऐसी वाली बातें आपको लिखना है फिर दूसरे पन्ने में लिखना है कौन कौन सा अशुभ आपके साथ हुआ मामा ने मेरे को बहुत डांटा पप्पा ने मेरे को बहुत मारा ए दोस्त से मेरा झगड़ा हो गया फलाने से मेरा ये रिश्ता ख़राब हो गया उसने मेरे साथ अत्याचार किया उसने मेरी बेज्जती की उसने साथ मेरे साथ में ये किया मेरा ये छीन लिया वो चोरी कर लिया मेरी जगह ले ली मुझे पीछे कर दिया धक्का दे के आगे चला गया मेरी सीट में बैठ गया और एक्स वाई जेड एट्सट्रा तो आप ये पाइए कि आपके दिमाग के अंदर में लंबी लिस्ट चोटीली वाली होंगी और किसी कोने में कहीं कहीं कोई भलाई की बातें होंगी याद रखना निन्यानवे प्रतिशत आपको नकारात्मक अनुभूतियां आपकी मेमोरी मोड में होंगी और मात्र शुभ जो है अजीब वो एक बार ना हम लोग पिकनिक गए थे और क्या बोलते हैं मेरी साइकिल पंचर हो गई थी तो एक दीदी थी उसने ना मेरी अपनी साइकिल मुझको दे दी और अपनी मेरी साइकिल लेकर के ना खुद गई और पंचर बना के फिर बाद में आई थी मैं घर पहुंच गई वो पंचर बना रही थी ऐसी मेमोरी साल दस साल में एक दो होंगी है ना कितना अच्छा लगा था उस दिन जब अंकल जी ने प्रार्थना की वाह कितनी शांति थी और वो जो है सन नाइनटीन एटी नाइन अक्टूबर की बात थी वो तो अभी चौदह साल में कुछ हुआ नहीं क्या ऐसे सालों साल पुरानी हमें कोई याद होगी जो बड़ी मनोरम होगी बड़ा अच्छा लगा होगा वाला वो याददाश्तें हैं कितनी आपके पास और आए दिन दिन भर में पंद्रह बातें ये देखो मैं में, मैंने चेयर यहां लाई और यहां लाके बैठी ही थी वो देखो इसने खींच करके खुद बैठ गई मैं नौकर हूं तेरी हर वक्त ऐसी करती मेरी चेयर ले लेती है तू ऐसी कितनी घटनाएं तो भैया ये तो खजाना भरा पड़ा है दिमाग के अंदर में नेगेटिविटी का फिर वही बातें आती हैं धीरे से ऐसे करके आई लव यू खुल जा सिम सिम तो जब कभी भी आप उसको देखिएगा तो चिड़चिड़ कीजिएगा और अब तो ना प्लेट बाद में ही लाऊंगी कुर्सी भी पकड़ के रखूंगी और प्लेट भी पकड़ के रखूंगी तो ले ले देखती हूं है ना दीदी झगड़ा होता ना हाँ प्लेट के लिए कुर्सी के लिए जगह के लिए ये होता क्यों है वाई इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे थॉट्स आपके अंदर आते हैं बाहर और वो आपको चिड़चिड़ाते हैं इरिटेट करवाते हैं समझ रहे हैं बात उन्हीं को बांधना है उसका ट्रीटमेंट आपको करना है पहला कदम आप बढ़ाइए तो दस कदम तक दुष्ट आत्माएं आएंगी आपके पास हेल्प योर सेल्फ वाली कहानी ठीक है so, सो तुम होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है तो इसके लिए सबसे पहला एजेंडा है कि हम कल्पनाएं क्या हैं इसको समझें।